अस्सलाम वालेकुम, मैं नुसरत नजम आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चने की दाल की कचौड़ी आलू की तरकारी के साथ। चने की दाल की कचौड़ियाँ हम 3 स्टेप्स में बनाएंगे। उसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए हैं, दाल 1/2 कप है मेरे पास, मैंने तकरीबन अच्छी तरह से धो के 1/2 घंटा भिगो ली है। लाल साबुत मिर्चें हैं मेरे पास 6 अदर, 1/2 टीस्पून मेरे पास कलौंजी है, 1/2 टीस्पून से कम मेरे पास ज़ीरा है। पुदीना जो है हम दाल बॉईल होने के बाद ऊपर से डालेंगे। पानी मैंने 1 कप लिया है। नमक हसबे ज़ायका। चने की दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है। सबसे पहले मैं इसमें पानी डालूँगी, लाल साबुत मिर्चें, कलौंजी और ज़ीरा, सॉल्ट। चने की दाल बॉईल हो गई है, अब मैं इसको मैश करके ये अभी ड्राई होके और फरफरी हो जाएगी। ये पुदीना भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब हमारी दाल कचौड़ियों के लिए तैयार है। सेकेंड स्टेप में हमारे पास मैदा 2 कप है, ऑयल मैंने 3 टेबलस्पून ले लिया है, अजवाइन मैंने 1/2 टीस्पून ली है, नमक जो है मैंने 1/2 टीस्पून लिया है क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है। अजवाइन शामिल कर दूंगी मैदे में। ऑयल, सॉल्ट, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करके और मैं आटे को थोड़ा सख्त सा गूंद लूँगी। आटा हमने सख्त सा गूंद लिया है, अब इसको मैं कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के और रख दूंगी। हल्का सा इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूंगी। सबसे पहले हम सरफेस पे ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद मैं छोटे छोटे पेड़े तोड़ूंगी। अब मैं इसमें चने की दाल रखूंगी। और पेड़ा बना के इसे 2 मिनट के लिए
रखते जाऊंगी। तमाम आटे के पेड़े बना लिए हैं। अब मैं कचौरी बनाना शुरू करती हूँ। साइडों से हम इसको दबाएंगे पेड़े को, और बीच में से इसको प्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ इसके किनारे प्रेस करेंगे। बीच में अपनी हथेली से इसको थोड़ा सा दबाएंगे। कचौड़ी बन गई। ऐसे ही इस वाली को भी साइड दबाएंगे। इसके अंदर बीच में एयर आ जाती है और फिर ये कचौड़ी फूली हुई बनती है। इस तरह से मैं अब अपनी सारी कचौड़ियाँ बना के और फिर ऑयल में डालना शुरू करती हूँ। ये मैंने इसमें कचौड़ी डाली है। कचौड़ी डाल के मैं इसको चमचे से हल्के हल्के से प्रेस कर रही हूँ। ये फूल जाएगी जैसे ये कचौड़ी फूल गई। सब इस तरह से मैं एक एक करके ये सारी कचौड़ियाँ इसमें फ्राई कर लूँगी। आप ये देखें, ये कचौड़ी भी फूल गई है। अब मैं इनको गोल्डन करके और आहिस्ता आहिस्ता इसमें से निकालना शुरू कर दूँगी। थर्ड स्टेप में हम बनाने जा रहे हैं आलू की तरकारी, जो कचौड़ियों के साथ खाई जाती है। आलू की तरकारी बनाने के लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू बॉईल करके और उन्हें मैश कर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने कलौंजी ली है, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्चें ली हैं, सॉल्ट एस पर टेस्ट, ऑयल लिया है, अचार लिया है, पानी लिया है तरकारी में डालने के लिए। सबसे पहले मैं पॉट में ऑयल डालूँगी। कलौंजी,
जीरा, कुटी हुई मिर्चें, तीनों चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। नमक, पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू हमारे बॉईल हुए हुए हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है तरकारी को, बस हम इसको 5 या 7 मिनट थोड़ा पकाएंगे और लास्ट में इसमें अचार शामिल कर देंगे। तरकारी हमारी अब तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में मैं इसमें गाजर और हरी मिर्च का अचार शामिल करके और मिक्स करके इसको अच्छी तरह से और उतार लूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।